तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिन्हें हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इन गॉस एलिमिनेशन मेथड द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम विच इज एन अपर ट्राइंगुलर फॉर्म। दिस न्यू फॉर्म कैन बी सॉल्व्ड इजिली बाय द प्रोसेस कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसमें हमारे पास दो स्टेप हैं, ट्राइंगुलराइजेशन और बैक सब्स्टिट्यूशन। ट्राइंगुलराइजेशन में हम क्या करते हैं, ट्राइंगुलर फॉर्म बनाएंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे इन तीनों को और हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन में जब हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म होगी तो हम बैक सब्स्टिट्यूशन से इजिली निकाल देंगे एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यू। तो ट्राइंगुलर फॉर्म होगी तो एक्स थ्री हमारे पास इजिली निकल जाएगा। फिर हम एक्स थ्री की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास एक्स टू निकल जाएगा। जब हम एक्स टू एंड एक्स थ्री की पुट करेंगे वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास एक्स वन निकल जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री की जगह हमारे पास एक्स वाई जेड भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कैसे करना है इसको, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद हम इसे सिस्टम वन दे देंगे इन इक्वेशंस को। फिर ट्राइंगुलराइजेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेज है हमारे पास जिसमें हम एलिमिनेट करेंगे एक्स वन को फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। फॉर दिस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हम एक्स वन को एलिमिनेट करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी वैल्यू जिससे हमारे पास एक्स वन ही आए। तो 1/5 करेंगे तो एक्स वन आएगा, जब हम 2/5 करेंगे तो 2x1 आएगा। तो फिर हम इन इक्वेशंस के साथ उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हमने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स थ्री इजिकल माइनस थर्टी, तो इसके बाद हमने 1/5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स वन आ गया और फिर ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस 0x भी लिख सकते हो, ना लिखो तब भी कोई बात नहीं। फिर अगर हम 0 लिख लेंगे तब भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिख सकते हो आपकी जो मर्जी है। तो फिर यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया और ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन करके आ जाएंगे। और वैसे हमारे पास हमने सेकंड इक्वेशन लिखी फर्स्ट इक्वेशन के साथ, हमने मल्टीप्लाई किया 2/5 तो हमारे पास 2x1 आ गया। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारे पास सिस्टम वन, ये या सिस्टम वन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इस सिस्टम में, सेकंड सिस्टम। फिर हम सेकंड स्टेज करेंगे जिसमें हम एलिमिनेट करेंगे इसको, फिर हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास सिस्टम टू था, तो सेकंड स्टेज जिसमें हम एलिमिनेट करेंगे एक्स टू फ्रॉम सिस्टम टू। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशंस के साथ, ठीक है, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। तीन इक्वेशंस का कैसे लेंगे हम, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम दो इक्वेशन सेकंड को लेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/14 जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/5। फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर हमारे पास ये आ जाएगा, फिर जो सिस्टम टू है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इस सिस्टम में। तो ये हमारे पास ट्राइंगुलराइजेशन कंप्लीट हो गया, हमने एक ट्राइंगुलर फॉर्म बना दी, अपर ट्राइंगुलर फॉर्म। तो अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन लास्ट से शुरू करेंगे हम, है ना, लास्ट से शुरू करेंगे। तो फिर ये हमारे पास एक्स थ्री निकल जाएगा एक्स थ्री, फिर हम एक्स थ्री को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में तो फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये जो है पूरी कैलकुलेशन है, फिर हमने एक्स टू को भी पुट कर दिया एक्स थ्री को भी पुट कर दिया और हमारे पास ये निकल जाएंगे आंसर एक्स वन। फिर हमारे पास लास्ट आ जाएगा एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री निकल के। तो ये जो पेजेस हैं इनका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप जहाँ से देखना हो वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है जिससे आपको बिना वीडियो देखे भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वैसे ही हम फोर इक्वेशंस का भी हम निकाल सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, या यहाँ पे एक्स वाई जेड के भी हो सकता था। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगुलराइजेशन बना देंगे। तो इसके लिए एलिमिनेट क्या होगा, एक्स वन होगा सेकंड थर्ड फोर्थ से और एक्स टू हो जाएंगे थर्ड फोर्थ से और एक्स थ्री हो जाएगा फोर्थ से, और फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन से इजीली निकाल देंगे। तो जैसे जब हमने एलिमिनेट करना है एक्स वन को सेकंड थर्ड फोर्थ से तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जब हमने एक्स टू को निकालना है थर्ड एंड
फोर्थ से तो हम सेकंड इक्वेशन के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके फिर जो इक्वेशन आएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही x3 के निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो है वो जो फोर्थ इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, और फिर उसके बाद हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो वैसे ही ये हो जाएगी।